हेलो एवरीवन, दिस इज लेजी अर्क और आप लोगों का स्वागत है हाँ प्राइमल फियर में। और इस बार प्राइमल फियर में हम लोग रैग्नारोक मैप में। तो जैसे कि लास्ट टाइम बहुत कुछ गलत हो गया था, हम लोग एलिमेंटल डायनोस को घूमने ढूंढने के चक्कर में गए थे। वैसे तो एलिमेंटल डायनोस नहीं मिले, मगर उसके चक्कर में पहले एक टेरानो मर गया, एक सेलेस्टियल फेरोक्स कहीं से आया और आसमान में एक बहुत बड़ा बॉम्बार्डर किया, उसके बाद एक एक बॉम्बार्डर नीचे गिरा। अब मैं और मेरा टेरानो दोनों मर गए। तो मुझे लगा एक बार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद जब मैं वापस दूसरे टेरानो से गया अपने पहले टेरानो के सैडल को और उसके चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, उसने फिर से अटैक किया और मेरा दूसरा टेरानो भी मर गया। तो कहीं ना कहीं एक ही एपिसोड में दो दो टेरानो का लॉस होना मतलब बहुत बड़ा टास्क था। तो मैं फिर उसको वहीं पर ख़त्म किया और फिर उसी समय मैंने डिसीजन बनाया कि जिस तरीके से मेरे पास एक्चुअली एक इंडोमिनस है और मेरे पास कहीं ना कहीं अभी मैक्स लेवल का भी इंडोमिनस है जो कि बड़ा हो रहा है, हम क्या करेंगे कि ठीक वैसे ही वाइवन ट्रेंच में इस बार जाएंगे। और वाइवन ट्रेंच में जाने के बाद हम सीधे के सीधे वाइवन ट्रेंच में हम लोग अटैक करेंगे और जितने भी कोशिश करेंगे कि बेटर स्टैट्स या फिर बेटर डायनो जो भी होंगे उनके हम क्या करेंगे कि उनके, एक मिनट, शायद मेरे पास और अच्छे प्रॉपर आर्मर्स नहीं है ना। हम क्या करेंगे कि उन लोगों को एक छुरा के लाएंगे। एज हम लोगों के पास इनक्यूबेटर बन गया है तो आपको ये दिक्कत होना तो नहीं चाहिए वैसे तो, पर तब भी देख लेंगे कि क्या किया जाएगा। तो फिर निकलते हैं वाइवन ट्रेंच के लिए। और अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास वैसे कोई फ्लायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि फ्लायर के अलावा अगर मैं किसी और से बात करूँ कौन सा डायनो है जो मुझे जल्दी बचा पाएगा। टेरेंटुला, आई थिंक मेरे पास एक टेरेंटुला है जिसका स्टैट्स बहुत अच्छा हुआ है। गैसबैक से जाए क्या? गैसबैक ट्राई कर सकते हैं। तो लगता है गैस बैग का यूज़ करने का बारी आ ही गया कहीं ना कहीं। और अल्फा गैस बैग एक्चुअली बहुत फन टू प्ले है जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत मस्त हुआ है, बड़ा सा साइज हुआ है, कलर वेरिएंट बहुत अच्छा हुआ है इसका और बहुत डेंजरस लग रहा है। उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले इसको उड़ाने के लिए गैस भरना पड़ेगा इसके अंदर, जैसे गैस फुल हुआ उसके बाद अब अटैक करते हैं। तो हम लोग निकलते हैं फिर वाइवन ट्रेंच के साइड। और जाने से पहले एक्चुअली मैं ये चालू कर देना चाहता हूँ, वरना पता चला कि ओके सो ये शायद जंप ही कर सकता है। ओ, इसके नीचे वाले हिस्से में बहुत अच्छा डिजाइन्स बने हुए हैं जो कि ये है। सो हम लोग ऑलमोस्ट वाइवन ट्रेंच के इस हिस्से में आ चुके हैं, क्योंकि इसी हिस्से में मुझे डोडो वाइवन से लेके बहुत कुछ दिखे थे डायनोस। हम लोग डोडो वाइवन 900 ना हेल्थ टेम किया जा सकता है, बस उसके लिए बेसिक बॉस केवल लगेगा। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं इसको इग्नोर मार के जा सकता हूँ अंदर की साइड, बट उससे बड़ा सिचुएशन ये होगा कि अगर मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ और अचानक से ये कभी खराब मोमेंट पे आया तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊँगा। तो वैसे तो मैं हर बार कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा डायनोस होते हैं उन लोगों को मारने के बाद और उन लोगों को मौका तक ना दो कुछ भी करने का, बट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस समय क्या करूँ। क्या मैं इस वाइवन को मार पाऊँगा? लाइक मेरा इंडोमिनस रेक्स इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना मैं सोचता हूँ, क्योंकि घूम फिर के ये 16,000 ही डैमेज दे रहे हैं। कोई कोई डायनोस तो यहाँ पे मिलियनों में डैमेज दे रहे हैं। और अगर मैं इसका बात करूँ तो चेक कर लेते हैं, वरना फिर सीधा ओ 9,000 डैमेज। वैसे तो उसका डैमेज मुझे कितना दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है, 196 से ज़्यादा तो डैमेज। कुछ रैप्टर्स का जरूरत पड़ेगी। ये चीज़ अच्छा हुआ कि ये जो डोडा वाई वन है ये मैक्स लेवल का तो है बट फायर वेरिएंट या फिर कोई और टाइप का लाइक नहीं है, वरना अगर इसका फायर होता तो कहीं ना कहीं मेरे लिए दिक्कत हो सकता था। मैं इसको मार तो रहा हूँ बट क्या मेरे रैप्टर्स इसको मार पाएंगे? और जिस हिसाब से मैं 9,000 के आसपास डैमेज दे रहा हूँ, 9 लाख मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बात हो जा रहा है। और वैसे भी वो घूम फिर के एक फ्लायर है और मैं लैंड क्रिएटर हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा उसको मारना बहुत रेयर बात हो रहा है और वो मुझे कहीं से भी डैमेज दे के भाग सकता है। तो इसीलिए मुझे एक बेटर फ्लायर का ज़रूरत है, बट क्या करूँ, एक फ्लायर ढूंढने के चक्कर में मेरे जो बचे कुचे फ्लायर थे मैंने उनको भी खो दिया। होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया जाए, इसको तो मैं पहले मार के ख़त्म कर दूँ। बट हाँ, एक और चीज़ भी मैं देख सकता हूँ, मुझे शायद यहाँ कोई दिखा।
कोई एग टाइप का या कुछ? नहीं, शायद। ओ 2800 डैमेज, बहुत ज़्यादा है। देखा जाए तो कम ही है, बट तब भी मेरा 9000 डैमेज देना बहुत ज़्यादा कम हो रहा है अगर ऐसे मैं देखूँ तो। क्या इससे बूस्टअप मिलेगा? नहीं, 9000 डैमेज बस। मीन्स बहुत टाइम लेने वाला है ये तो। अभी तक हाफ हेल्थ में भी मुश्किल से पहुंचा है। मैं समझ सकता हूँ कि ये मेरा कितना राउंड, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ एक डोडो वाइवन को मार रहा हूँ। वैसे तो ये उसी का ट्रेंच है, बट तब भी मैं देखना चाहता हूँ कि एक डोडो वाइवन को मारने के बाद मुझे क्या रिवॉर्ड में मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कैटेगरी अगर देखा जाए तो ये बेसिक बॉस केबल में है ना, और 10 बॉस केबल मतलब समझ सकते हो मेरे पास ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा मेरे जितने भी टॉक्सिक एक्स होंगे सब के सब यूज़ हो जाएंगे। तो अगर मैं किसी डाइनो के पीछे इतना अगर मैं केबल्स यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ तो उसका वर्थ होगा। लाइक डोडो वाइवन 360 लेवल, जिसका हेल्थ ऑलमोस्ट 9 लाख से ज़्यादा है। डोंट टेल मी कि उसका हेल्थ कम हुआ और वो भाग गया। कहाँ गया? यार मैं अभी उस पर अटैक कर रहा था और वो कहीं गायब हो गया, डिस्पॉन हो गया होगा। मैं सीरियसली इतना खराब किस्मत कभी कैसे हो सकता है ये सोच रहा है। ये मेरा दूसरा डाइनो हुआ है जिसको मैं ऑलमोस्ट मार चुका होता बट सच में डिस्पॉन हो गया ना वो। मैं डोडो वाइवन को खो चुका हूँ और इन लोगों को डैमेज करना है। हाँ, तो वाइवन गायब हो चुका है जिसको अब हम ढूंढ नहीं सकते हैं। ठीक है, मे भी यहाँ से कोई रास्ता होगा जो सीधे के सीधे मुझे ट्रेंच के अंदर पहुंचा सके। ओके, आई थिंक नहीं, ये प्लान एबोर्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक प्राइमल वाइवन के अगेंस्ट में मैं तो नहीं जाने वाला, जिसका हेल्थ 289 मिलियन है। मैं 1 मिलियन वाले डोडो वाइवन को मार नहीं पाया, 300 मिलियन वाले को क्या मैं मारूंगा। वाइवन साइड ट्रेंच के साइड जाने का दूसरा भी रास्ता है नीचे के साइड से। बट ये ओरिजिन डायनोस यहाँ तक कर क्या है? मुझे जिधर स्ट्राइक करना है ये वाइव ओरिजिन वाइवन सीधे के सीधे वहीं घूम रहा है कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियसली मैं इसको तो नहीं, वो ओरिजिन वाइवन के अगेंस्ट में जाना बेवकूफ़ी होगा कहीं ना कहीं। टू फोर्टी नाइन मिलियन, नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एक्चुअली। मेरा इंडोमिनस का हेल्थ बहुत ज़्यादा ही कम है। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर घूम रहा है तो मैं नीचे से छुप के भाग सकता हूँ, बट तब भी मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो ओरिजिन वाइवन है। अगर मैं किसी भी वाइवन का एक छुराता हूँ या फिर अटैक करता हूँ तो कहीं ना कहीं वो सीधे मेरे को मार देगा। फायर वाइवन तो मुझे यहाँ दिख रहा है, जहाँ तक बात है किबल्स का तो किबल तो वैसे मुझे कहीं दिख नहीं रहा। और मैं इससे नीचे कैसे जाऊँगा? भाई तो नीचे लावा है जो कि डेंजर हो सकता है। यहाँ पे नेक्रोटिक वाइवन मुझे दिखाई दे रहा है जिसको हम शायद मार सकते हैं।
उधर वाइवन का गेट है, बट क्या दिक्कत हो रहा है कि किधर गया वो ओरिजिन वाइवन। एक मिनट, पूरा पास में घूम रहे हो। मैं उस ब्रिज पे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन सा है। हाँ केओस Y1 छोड़ दो भाई, ये ट्रेंच मेरे लिए अब तक का सबसे खतरनाक ट्रेंच था। मैं एक ही जगह पे, मुझे ओरिजिन Y1 भी मिल गया, डोडो Y1 तो था ही से वो भाग गया, और उसके अलावा ओ 360 लेवल फाइनली मिल गए। अब मेरे पास 340 लेवल का ऑलरेडी एक डाइनो है, तो हम एक काम कर सकते हैं, पूरा का पूरा दोनों का कॉम्बो बना सकते हैं। आई होप कि दोनों में से एक ही आए, वरना अगर दोनों आए तो दिक्कत दे देगा। तब तक मैं अपने रैप्टर्स का आर्मी को बुला लेता हूँ। यहाँ पर जितने मुझे ये दिख रहे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, ताकि मैं इसको जब अटैक कर रहा हूँ तो वो ना मुझे मारे। अच्छा और थोड़ा, अरे क्या हुआ, चल क्यों नहीं पा रहा। ओके ओके, आई होप कि इस बार काम हो जाए। नहीं आसपास में और कोई तो वाइवन नहीं दिखा था। क्या हुआ, मेरे रैप्टर्स कहाँ हैं। हाँ छोड़ा, तो जितना जल्दी हो सके पहले इसको मार देते हैं और उसके बाद फिर दूसरे वाले को मारेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो इसका भी कलर वेरिएंट अच्छा हुआ है। मेरे पास जो BB340 लेवल का जो इंडोमिनस रेक्स है, तो क्या हो रहा है कि उसका कहीं ना कहीं ये है, डार्किस है और वाइट कलर का पैच हुआ है, बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा रेडिश हो रहा है और ये वाइट कलर का पैच हो रहा है। आई थिंक दोनों का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा ढूंढने में, बट तब भी देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। ऑलमोस्ट, अरे वो तो तभी मैं सोचूं कि मेरा इंडोमिनियस रेक्स का इतना टेंशन क्यों नहीं होता है। तो इंडोमिनियस रेक्स का एक्चुअली में जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिगेनिंग का है, तो ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। ओके तो मेरे साथ यही चीज़ गड़बड़ हो रहा था, मैं वही सोच रहा था कि मेरा इंडोमिनियस रेक्स मीन ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होता है, ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, फिर मैं उसको कार्यो करता हूँ और फिर जब तक मैं अपने बेस तक आता हूँ उसका हेल्थ फुल हो चुका होता है, जो कि मैं हर बार मिस कर रहा था इस चीज़ को। अब मुझे पता चला कि एक्चुअल में इसका ऐसा एबिलिटी है जिसकी वजह से उसका टेंशन नहीं होता है। आजा भाई तू भी आजा, तेरे को भी मार ही देता हूँ। और हम लोगों को फाइनली एक और एक मिल गया। क्या है वो, आपके आसपास में कोई भी ना हो जो मुझे अटैक कर सके। मुझे लग रहा है कि ये मेरे को शांति से जीने नहीं देगा। आजा भाई, वैसे तो इसको मारू ना मारू एक ही बात है, बट तब भी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेस के आसपास ये घूमे। जितना जल्दी इसको मैं मार के अगर ख़त्म कर दूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। फालतू में मीन्स क्या ही बिना मतलब के झंझट लेना है वो सोच रहा हूँ। हाँ ये मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑलमोस्ट आसपास में। ये चीज़ अच्छा है कि जो मीन्स कपल डाइनोज है उन लोगों को अलग अलग कर दो, ताकि उन लोगों का जो मेड बूस्टेड जो डैमेज, उन लोगों का जो बोनस है
वो जैसे ही बफ उन लोगों का टूटेगा उसके बाद वो लोग ऑलमोस्ट वीक हो चुके हैं, हो चुके थे, तो इतना भी टेंशन नहीं है। बट जब तक वो लोग एक साथ है तब तक ये हुआ। आई थिंक यहाँ पे दो बैकपैक होने चाहिए। कौन गया? वो नहीं है, ये होगा। मैं सोचा था कुछ बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चलो बेस में जा ही रहे हैं तो सोच रहा हूँ बेस में जाने से पहले कुछ फैबल ये सब डायनोस को मार देंगे तो सही रहेगा। लेकिन होता है कि पोशंस मिल जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदे भी हो जाते हैं, पर तब भी आई होप कि आसपास में बस रैम साइकिल ना मिला, वरना उसके अलावा मुझे और किसी का टेंशन बिल्कुल नहीं। रैम सर्कल का डैमेज आउटपुट मैं देख चुका हूँ कि वो क्या कर सकता है, इसलिए मैं उसको इग्नोर मारना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फेबल्ड और मिल जाते तो सही रहता। और मेरा किस्मत ख़राब रहता है कभी कभी, मैं ये सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब और कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ना ही पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच में ये मिल जाएगा। मैं सोचा ही था कि ये डाइनो मुझे और कहीं ना मिले, बट ये एक्चुअली हुआ। ये तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे मीन्स ये क्या बाकी डाइनोस को अट्रैक्ट कर सकता है ना क्या? और कोई नहीं है ना? ठीक है, आई होप कि ये जल्दी मर जाए, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि अगर इसका हेल्थ कम हो जाता है तो ये इसका डैमेज आउटपुट और ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे उतने देर में इसको रिगेनिंग नहीं करने देना है, इतना जल्दी हो सके मैं मार दूँगा तो सही रहेगा। मेरा कितना 16,000 ना, बट ये है कि इसका जब कम हेल्थ हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका डैमेज रिडक्शन भी आ जाता है। ओके क्या हुआ, क्या हुआ, और मेरा हेल्थ का क्या हुआ? ये तो इतना जल्दी मर गया। एपेक्स मेगालोसॉरस का सैडल, देखो इतने सारे ब्लूप्रिंट्स। शायद मुझे उससे डर के हमारे भागना नहीं चाहिए था। मतलब उसने इतने सारे रिवॉर्ड्स दे दिए, रिवॉर्ड इन द सेंस सब यहाँ पे सैडल मेरे पास अब अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे सैडल्स देखूँ तो फेबल्ड गच्चा से लेके यहाँ तक कि फेबल्ड मैग्मा सोड तक का है। अल्फा डिनोनीचस, एक मिनट, डिनोनीचस यहाँ पे अवेलेबल है? ओके अल्फा स्नो आउल और उसके बाद ये अल्फा चैलिकोथीरिया। सबसे बेस्ट अगर मैं यहाँ पे अपना सैडल किसी डैमेज आउटपुट में देखो तो यहाँ पे 202 मुझे दिखा है। एपेक्स इंडोमिनस रिक, ये एपेक्स का है। ओके ओके 202 के बाद अगर मैं बात करूँ तो 212 जो कि फेबल्ड स्नो आउल का मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 244 वुली राइनो का, और अगर मैं इसको हटा के इंडो, ओ एक ही मिला है, ठीक है कोई फ़ायदा नहीं है। तो अच्छे रिवॉर्ड्स थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसको इतना जल्दी मार पाऊँगा, क्योंकि मैं एक्चुअली डर गया था कहीं ना कहीं। वो जैसे ही अटैक करने के लिए आया मैं ऑलमोस्ट भागने वाला था, बट जब जब उसने मेरा स्लो डाउन कर दिया तो मैं फंस चुका था। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था उसको मारने के सिवा, तो मुझे लगा कि मैं मार दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक स्मॉल पोशन, ऐसे चीज़ों को छोड़ना नहीं, ये सब छोटे छोटे चीज़ें ना बहुत हेल्प करते हैं। तो अब तो बेस ही निकलते हैं, एक्चुअली बहुत कुछ हो गया। लाइक हम लोगों ने क्या है वो मैलिन है ना, बट वो स्पेशल केबल खाता है कहीं ना कहीं, और इस एरिया में जिस एरिया में मैं एक्चुअली रह रहा हूँ। शायद मैं मार सकता हूँ, वैसे तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बट तब भी मुझे लग रहा है कि शायद मैं मार पाऊँगा, तो ट्राई करते हैं। वरना हमारे पास हमारा ये तो है ही सही। मेरे रैप्टर्स अगर उन दोनों आलोसोरस को मार देंगे तो सही रहेगा। मर गए, हाँ
ऑलमोस्ट खत्म। अब हम अटैक इस पे कर सकते हैं। और क्या होगा कि मैं जानबूझ के वो क्या था वो ब्रेन, ठीक है, मैं जानबूझ के अपने रैप्टर्स को इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि वो लोग एटलीस्ट मुझे ये बता पाएंगे कि उसका डैमेज आउटपुट कितना है। मीन्स चार रैप्टर्स को ऑलमोस्ट मरने में कितना सेकेंड्स लग रहा है वो मैं देखूंगा और उस हिसाब से फिर मैं अटैक करूंगा। आए मेरा रैप्टर्स डिस्पॉन होगा क्योंकि उसका भी 1.3 मिलियन हेल्थ है और मेरा भी 1.3 के आसपास ही है। एक ही है? हाँ चलेगा। 6,000 हम लोगों को भागना ज्यादा बेटर रहेगा। 99,000 डैमेज एक सेलेस्टियल एलोसोरस। ऐसे डायनोस के अगेंस्ट में कभी जाना नहीं चाहिए, जितना इग्नोर मार के रास्ता चेंज कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ओहो, मैं सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे साथ ऐसा कुछ सीन देखने को मिलेगा। कौन है ये? पैरट? अरे हाँ, मुझे कुछ और भी डोडोस का जरूरत था। ओ हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, रॉ मटन से एक्चुअली फूड मैं बना लेता हूँ। ये सब फूड में बहुत दिक्कत हो रहा है, शायद यहाँ के सब मर चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ मर चुके हैं, तो यहाँ का सब हो चुका है। अरे यार बहुत दिक्कत हो गया, मैं उसको मैं मार भी नहीं पा रहा हूँ और मैं क्या करूँ, मेरे बेस के आसपास भी घूम रहा है। ओ, एक पेबल लेना। होप के आसपास में कुछ जल्दी वो डिस्पॉन हो जाएगा तो सही रहेगा, वरना फालतू का। ओ बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, 190K। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये मेरा 16,000 के आसपास डैमेज दे रहा है, क्या बोलता हूँ, मेरा ये वाला इंडोमिनस, कहीं ना कहीं वो 340 और 360 लेवल के दो इंडोमिनस हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोग ऑलमोस्ट 50K के आसपास अगर डैमेज दे देंगे तो क्या होगा कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा। बट आई नो कि उतना डैमेज नहीं दे सकते। अगर वो दे देंगे तो क्या होगा कि किसी और के हाई लेवल डायनोस के साथ फाइट करने में कभी डर नहीं रहेगा। बट क्या कर सकते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं क्या किया जा सकता है। वैसे हाँ, इन लोगों का स्टैट चेक करने के लिए हम निकल रहे हैं। ओके, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मिले हैं बट चेक किया जा सकता है, और कुछ ब्लू प्रिंट्स फिर से मिले हैं जो कि किसी काम के नहीं है, पता है। कहाँ गया वो बेबी? इसका स्टैट्स चेक करो तो ये फीमेल अल्फा इंडोमिनस रेक्स है। डैमेज में इसका सिर्फ और सिर्फ 47 पॉइंट ही है और हेल्थ में भी, जो कि बहुत ही खराब है। और उसके अलावा देखा जाए तो 65 ऑक्सीजन। सीरियसली इंडोमिनस रेक्स को ऑक्सीजन का जरूरत है? चलेगा, कुछ किया नहीं जा सकता, वैसे भी वाइल्ड था। उसके अलावा अगर मैं इसका स्टैट्स देखूँ तो ये तो और ज़्यादा खराब है। 48 डैमेज है और 39 हेल्थ है, जबकि 62 पूरा का पूरा वेट में, पूरा ही उल्टा है। तो ये भी फीमेल है और वो भी फीमेल है, तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत का बात हो गया। मेरे पास दो हाई लेवल के इंडोमिनस रेक्स थे बट मेल एक भी नहीं है। हम लोग और भी इंडोमिनस रेक्स का सर्च कर सकते हैं, क्या पता हम लोगों को और हाई लेवल का मिल जाए, जिसमें से किस्मत से अगर एक भी हम लोगों को मिलता है इंडोमिनस रेक्स जो कि मेल होगा तो फ़ायदा हो सकता है, वरना फिर देखते हैं। उसके पहले मुझे कुछ एक फ्लायर्स ढूंढना पड़ेगा। हम लोग जल्दी मिलते हैं, मुझे जल्दी अगर फ्लायर कहीं मिलता है तो फिर हम लोग अगला एपिसोड वहीं से शुरू करते हैं। पूरा कोशिश करूँगा ग्रिफिन को ही ढूंढने का, बट अगर नहीं मिला तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।